बुड़बक पीके हो क्या? जी हाँ, साल 2014 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसके कॉन्सेप्ट ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं पीके मूवी की। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी को कैसे शूट किया गया था? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीके मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इस एंट्री और क्लाइमेक्स वाले सीन को राजस्थान की एक लोकेशन पर शूट किया गया था। अब जैसा कि आप इस बिहाइंड द सीन में देख ही सकते हैं, ये जगह एक रेगिस्तान है और इसके आसपास कुछ भी नहीं है। लेकिन मूवी में हमें यहाँ पर एक वाटर टैंक और भी कुछ चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें स्पेशली मूवी के लिए ही बनाया गया था। और केवल इतना ही नहीं, हमें जो स्पेसशिप दिखाया गया ना, उस पूरे के पूरे स्पेसशिप को CGI की मदद से क्रिएट किया गया है। और इस वाले सीन को शूट कैसे किया गया है उसे तो आप स्क्रीन पर देखकर समझ ही सकते हैं। देखा, पीके मूवी में हमें एक जबरदस्त राजस्थानी सॉन्ग भी देखने को मिला था जो ना केवल राजस्थान के लोगों को बल्कि पूरे भारत में खूब पसंद किया गया था। इस गाने के कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी थे। उन्होंने कैसे लोगों को इस गाने के डांस स्टेप्स में परफेक्टली फिट होना सिखाया था ये तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इस गाने में आपको जितने भी लोग दिखाए गए हैं उन्हें डांस सिखाने में गणेश आचार्य जी को लगभग 2 महीने लग गए थे। इस मूवी में सुशांत और अनुष्का की थोड़ी सी रोमांटिक लव स्टोरी दिखाई देती है, लेकिन उसमें ही हमें एक बेहतरीन सॉन्ग सुनने को मिलता है जिसके बोल थे 4 कदम। इस सॉन्ग को कैसे शूट किया गया था उसे तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इस एक गाने को पोलैंड, इटली और पेरिस, फ्रांस जैसी लोकेशन पर शूट किया गया था। वहीं इसमें कुछ सीन बूढ़ा पेस्ट के भी हैं। अब आप सोच सकते हो कि इस गाने को बेहतरीन बनाने के लिए भाई साहब कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे यार। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी का ये सबसे महंगा सॉन्ग है। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मेकिंग क्विज, जिसमें हम आपसे वीडियो से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछेंगे। सही जवाब वाले को मिलेगा नगद इनाम और ढेर सारी पॉपुलैरिटी। तो जल्दी से सवालों के सही जवाब दीजिए और आजमाइए अपनी किस्मत। हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, आमिर खान की सबसे पहली मूवी कौन सी थी? जल्दी से सही जवाब टाइप कीजिएगा। तो पीके मूवी को राजकुमार हिरानी जी ने डायरेक्ट किया था, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बेहतरीन डायरेक्टर माने जाते हैं। वैसे तो सभी डायरेक्टर शूटिंग के दौरान हीरो को इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन राजकुमार हिरानी जी रिहर्सल को खुद करके दिखाते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप इन कुछ सीन्स में देख ही सकते हैं, इसे डमी रिहर्सल कहते हैं। दोस्तों, मूवी के एक सीन में आमिर खान को पान खाते हुए दिखाया गया, लेकिन क्या आपको पता है कि आमिर खान अपनी सभी मूवीज में इस तरह की चीजों को सच में कंज्यूम करते हैं? जैसे कि 3 Idiots में उन्होंने एक सीन में ड्रिंक करते हुए दिखाया था। इवन उन्होंने आर माधवन से कहा था कि हमें ड्रिंक करके नॉर्मल रहने की कोशिश करनी है, तभी हम रियल ड्रिंकर दिख पाएंगे। जी हाँ, उन्होंने सच में ही दारू पी थी। और ऐसे ही पीके मूवी में उन्होंने पान सच में खाया था ताकि सीन को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक टच दिया जा सके और उनके एक्सप्रेशंस भी रियल लगे। पीके एक बेहतरीन मास्टरपीस और माइंड ब्लोइंग मूवी है। इसे न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के स्क्रिप्ट लिखने में राजकुमार हिरानी जी को पूरे 5 साल लग गए थे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने अक्षय कुमार की OMG देखी तो उन्हें लगा कि ये एक दूसरे से काफी हद तक ओवरलैप करती हैं। इसीलिए उन्होंने पीके मूवी की स्क्रीन पर थोड़ा चेंज किया, लेकिन फिर भी इसका कॉन्सेप्ट काफी हद तक सेम रहा। पीके मूवी को 185 करोड़ के बजट में बनाया तो गया था, लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड 854 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की थी। और इसी के साथ ही ये अपने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में शामिल हो गई थी। पीके मूवी में आमिर खान के लुक को लेकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इसमें आमिर खान की आंख और कानों को बड़े ही अजीब तरीके से दिखाया गया है। अब क्योंकि वो मूवी में एक एलियन है और उनकी कॉस्ट्यूम भी काफी अतरंगी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान के इस अजीबोगरीब पीके वाले लुक को केवल और केवल मेकअप से क्रिएट किया गया था। जी हां, पीके मूवी का वो सीन तो आपने जरूर देखा होगा जहां पर आमिर खान भोजपुरी में बात करते हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि आमिर खान को तो भोजपुरी आती ही नहीं है, तो उन्हें स्पेशली इस मूवी की शूटिंग के लिए भोजपुरी लैंग्वेज सिखाई गई थी, जिसके लिए शांति भूषण को बुलाया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से सीन के लिए आमिर खान ने जो भोजपुरी सीखी थी उसे सीखने में इन्हें पूरे 4 महीने लग गए थे। वैसे आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल सिनेमा मेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।